इसको मैं पकड़ता हूँ, हेलो, बहुत ज्यादा डाउन है। वाह, क्या बात, नया क्रिएशन। हां, पहले भी कुछ है। हैप्पी बर्थडे हो गया। एंटरटेनमेंट एक साथ का सब लोग हो गया। हैप्पी इनको खिलाइए, हमको तो खिलाएंगे। हाँ बिल्कुल, अरे भैया थोड़ा सा लगा सर, एक चेबी को ले लीजिए। राम यादव भाई मोबाइल अब आप बैठिए ना। अरे स्वागत स्वागत है, स्वागत आपका बेटे का हो रहा है। बेटे का हो या बाप का हो, अरे बोलो आगे कैमरा कर दो। जितने भी शिवाजी जी के फैन जुड़े हुए हैं, देखिए शिवाजी का स्वागत करें। हमारे लिए शिवाजी गुरु के महान आए थे हमारे बड़े भाई। खेसारी भैया जाना चाहूँगा, कादव जी हैं। ये मड़ियाहू विधानसभा के भावी MLA भी हैं। आप छुप रहे हैं जलान का आगे ही। क्या बात है, क्या बात है। चलिए ताली बजा दीजिए, ताली बजाइए, ताली बजाइए। दो नंबर, एक नंबर, ये पाछा जो पाछा, पीछे 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 जो संभव।
प्रतिभावान लोगों को और मौका भी आप दीजिए सबको, जिस तरह मैं सेवा करता हूँ। तो सिर्फ खेसारी जी ने इस बात को बोला, हमारे बड़े भाई ने भी इस बात को हमें राय दिया था कि इस कार्य करना चाहिए। मैं बताऊँ आप, मुझसे किसी अभी पत्रकार नहीं होंगे पूछ रहे थे कि खेसारी जी ही क्यों इसका उद्घाटन करें, तो शायद मैंने कहा कि वही सबसे सही चुनाव है इसका उद्घाटन करें। क्या बात है, तो मैं और संजय जी को मैंने कहा कि इसके हाथ से करवाइए, संघर्ष करके वो नौजवान आज इस ऊंचाई पे पहुंचा है, जब भोजपुरिया समाज इस बच्चे को प्यार करता है, तो ये आगे बढ़ के। वैसे तमाम कलाकार जो पारिवारिक जिम्मेदारी और आर्थिक मजबूरी से अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते, वो पूरा कुछ समय को रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे ओपनिंग है संजय यादव जी का चैनल है, संजय जी के बारे में और इस चैनल के बारे में। ये इनका चैनल है ही नहीं, ये पूरे भोजपुरी समाज का चैनल है, हम सब कलाकारों के चैनल है। ये इंटरटेन किसी का होता नहीं है, इंटरटेन सबका होता है। और ये लॉन्च बस एक माध्यम है ये, और ये जो भी कंपनी है, मुझे लगता है कि आप सबके प्यार, जनता के दुलार के और आशीर्वाद की बदौलत ही चलने वाली है। तो ये पूरी जनता की कंपनी है, एस फॉर यू, और मेरी शुभकामना है। अपने संगीत के तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा संजय जी को कि एक माध्यम बन रहे हैं हमारे समाज के लिए, कि इनके ज़रिए अब अच्छे गाने, अच्छे फिल्में, अच्छे प्रतिभा जो भी लड़कों के बीच में होगी, हमारे लड़कियों के बीच में होगी, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, गायिका हो, सिंगर, जो भी हो, तो एक माध्यम में बन रहे हैं। और बहुत कम लोगों के नसीब में होता है माध्यम किसी चीज़ के लिए बनना। एक हमारे लिए खुशखबरी है कि हाँ, एक कंपनी का और निर्माण हुआ हमारे समाज के। ये भी कहना चाहूँगा, संजय जी ने कहा कि जो भी प्रोजेक्ट वो बनाएंगे वो पूरा परिवार देख सके, इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएंगे और ज़्यादातर नए लोगों को मौका देंगे अपने प्रोडक्शनों के माध्यम से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही तो सबसे बड़ी सुखदायक यही बात है कि इनके मन में एक विचारधारा अच्छे संकेत लाती है, और आपके अंदर विचार अगर अच्छी नहीं हो तो शायद आप अच्छा नहीं सोच पाओगे। इनके विचारधारा में हमारे समाज के लिए अच्छा करना है, तो मेरी शुभकामना है। ये भी कहना चाहूँगा, आप देख रहे हैं 1.5 साल से जो माहौल है, लेकिन अब सब कुछ खुल चुका है, लिट्टी चोखा बंपर बिजनेस कर रहा है, उसके लिए बताइए कि कितना अच्छा ये पहल है कि हर चीज़ खुल चुका है, बिजनेस अच्छा हो रहा है सिनेमा का, उसके लिए बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे? ये तो लोगों का प्यार है हमारे प्रति, जो हमें मोहब्बत देती है, चाहे वो कोविड हो या कोई भी आपदा आ जाए, वो अपने बच्चों को भूलते नहीं है। तो हम एक बेटे की तरह बस संघर्ष करते हैं अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। वो परिवार हमें अगर सम्मान देता है तो हमें खुशी होती है कि हमारे परिवार में हमारी अहमियत है। कहने का ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में आप देख रहे हैं बच्चे जो हैं गलत रास्ते पर जा रहे हैं, अब हाल ही में आर्यन को गिरफ्तार किया गया, उसके लिए बताइए कि ये कितना गलत है? देखिए, वो तो जांच का विषय है, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हमारे यहाँ लोग उथलाली से रोटी खा लेते हैं, लेकिन पाउडर नहीं खाते, उथलाली से रोटी बोल के खा लेते हैं। हमारे यहाँ नशा हमारे भोजपुरी में तो मुझे लगता है कि सब लोग दूध पीने वाले ही हैं, होगा कोई तो मुझे पता नहीं है। केसरी जी, ये जानना चाहेंगे, अभी आपने एक बयान दिया था अच्छे चैनल पे, जिम्मेदार चैनल पे, आपने कहा कि एक कलाकार किसी के साथ भी रोमांस कर सकता है, कुछ लोगों को बुरा लगा, खासकर एक्ट्रेस को बुरा लगा, वो इसे आपके विरोध में देख रही है, कुछ एक्टर इसको सपोर्ट में देख रही है, आप अभी भी इस बयान पे कायम है कि एक एक्टर किसी के साथ भी रोमांस कर सकता है? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि अगर आप इंटरव्यू को सुनेंगे तो जो भी जिनको भी वो जिन्होंने भी रिएक्ट किया है, मुझे पता नहीं किसने किया है, क्योंकि उतना वक्त नहीं है कि मैं किसी का इंटरव्यू देख पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर वो इंटरव्यू मेरे सुनी होंगी तो शायद उनको समझ में आता है, और विदाउट सुने अगर उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है तो उनकी सोच है। बट मेरा कहने का मतलब है कि एक एक्टर अगर है तो उसके रिएक्शन पे ही चीज़ें होती है। अगर मक्खी इतनी बड़ी हिट हुई तो उसका रीज़न सुदीप थे, क्योंकि उनकी रिएक्शन इतनी अच्छी थी कि एक मक्खी के साथ में उन्होंने जो एक्ट किया वो मायने रखता है। तो मैंने वही बातें कही थी, मेरा अगर डायरेक्टर है कि बकरी को भी लाकर मेरे सामने खड़ा कर दे, तो अगर मेरे कॉन्सेप्ट में बकरी हीरोइन है तो मैं उसके साथ भी रोमांस करूँगा, क्योंकि वो मेरा काम है और मैं अपना कर्तव्य हमेशा करूँगा, चाहे वो जिस विधि में। तो मेरे कहने का मतलब कि हमेशा हम कोट पैंट थोड़ी पहनते हैं, कभी कभी अपने घर में तावल में भी रहते हैं, तो जब हम इंसान के रूप में हर भाव में, हमेशा मुझे पनीर तो मिलता नहीं है, कभी लिट्टी चोखा भी खाता हूँ,
तो जब हम अपने खाने में, अपने पहनाव में हर चीज़ कर सकते हैं, तो क्या हम बकरी के साथ रोमांस नहीं कर सकते? अगर हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है तो, अगर हमें उसी के लिए साइन किया गया है, तो हमारे रिएक्शन पे वो निर्धारित है कि मैं कितना अच्छा रिएक्ट कर रहा हूँ उस बकरी के साथ। तो मेरा मानना किसी हीरोइन को बकरी बनाना नहीं, मैं कैरेक्टर की बात किया। अगर हो सकता है उन्होंने अपने आप पे ले लिया होगा तो मैं उसकी जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ। बारी भैया ये भी जानना चाहूँगा, बिग बॉस में आप थे, अक्षरा जी भी बिग बॉस देखिए लेकिन जीत नहीं पाई, फिर भी क्या कहना चाहेंगे? आप देखते थे जब अक्षरा जी थी बिग बॉस में, और बिग बॉस शो के बारे में ओवरऑल क्या आपका? हजारों लोग दौड़ते हैं रेस में, हर आदमी तो आर्मी का फौजी नहीं बनता है ना, हर आदमी दौड़ना चाहता है। अक्षरा जी ने बहुत अच्छा खेला, अपने समाज के नाम ऊँचा किया उन्होंने, मेरी शुभकामना उनके साथ है। और हमें उसको गलत, हर चीज़ में जीत थोड़ी होती है, हम अपने समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं वो मायने रखता है, जीत मायने नहीं रखता है। जीतने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे समाज में मैं भी बिग बॉस में गया, मैं नहीं जीता, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि जिंदगी की रेस हार गई मैं। आज जहाँ जीत रहा हूँ वहाँ जीत रहा हूँ, जहाँ खेलना है मुझे खेलना, वो हमारा प्लेटफॉर्म है ही नहीं, वो एक नए प्लेटफॉर्म पर अपने आप को प्रूव करना होता है। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपनी माँ बहन की गाली नहीं दे सकते, और ना ही किसी को दे सकते ना सुन सकते हैं। और वहाँ हर चीज़ चलता है, तो वो उनका अपना फॉर्मेट है, उसको हम बोल भी नहीं सकते कि हाँ आप अपना बदल दीजिए। हमारा नेचर कहता है कि हम अपने माँ बाप के संस्कार में आज भी जीते हैं, और जब तक जिएंगे तब तक शायद उस संस्कार के साथ ही रहेंगे। तो जब संस्कार हावी होता है तो आप समाज में बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। बाकी हेगड़े के साथ आपके वीडियो सॉन्ग काफ़ी हिट हुए हैं, और दर्शक की ये डिमांड है कि आप उनके साथ कोई फिल्म कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं तो बताइए। देखिए अभी तो कुछ लाइनअप उनके साथ है नहीं, लेकिन शायद आने वाले समय में होगा। हर कलाकार को इच्छा होती है किसी के साथ काम करना, मेरी भी इच्छा है एक अनुभवी के अनुभव के साथ काम करना। तो अनुभव जब आता है तो निखार कहीं ना कहीं आपके अंदर होती है। तो आज मैं आस्की मूवी किया, मुझे लगता है कि बाबा के साथ मैंने दूसरी मूवी की ना तीसरी मूवी, एक मैंने प्रतिज्ञा की थी तो हमारा छोटा सा रोल था, और दूसरा मूवी था हमारा असलम जी उसके डायरेक्टर, माया जी प्रोड्यूसर थे, संसार 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 में हमारे फादर बने थे, और तीसरी मूवी हमने आस्की की। तो जो चीज़ें मेरे अंदर कमियां थी, पापा हमें बोलते थे बेटा इसको ऐसे बोलो, तो हमें अच्छा लगता है कि अपने तौर बाकी जी हमारी सीनियर हैं, तो हमें लगता है कि उनके साथ जब भी मैं काम करता हूँ या करूँगा तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिले। संजय जी आप पटना से आ रहे हैं, लिट्टी चोखा खाए कि नहीं पटना में? हम पटना जाए या लिट्टी ना खाए तो काहे कथी पटना जाए? कैसे लिट्टी का भाव आज के डेट में? लिट्टी के भाव अगर करोड़ों रुपया हो जाए तब हम खाए, काहे से तो हमारा लिट्टी ना ना कहे का जोना गरीब हुआ आई रही बॉम्बे में वो गरीब, रसूलपुर चट्टी के लिट्टी के क्या भाव रहे और आज के डेट में रसूलपुर चट्टी की लिट्टी के क्या भाव रहे? भगवान पे फूल चढ़ने वाले जो चीज़ें होती हैं ना उसके भाव नहीं देखते, हमारे श्रद्धा उस लिट्टी के प्रति कितना है, हमारा श्रद्धा उस भगवान के प्रति कितना है, ये मायने। संजय जी अगर मैं यहाँ कुणाल जी बैठे हैं, भोजपुरी के महानायक हैं, एक साइड है ट्रेंडिंग स्टार, कितनी खुशी महसूस हो रही है आपके यस फॉर यू को लॉन्च कर रहे हैं? मुझे लगता है जब से आप आए हैं उस खुशी का इजहार तो मेरे चेहरे से दिख रहा होगा आपको। कुणाल भैया भी हमारे हैं और हमारे ट्रेंडिंग स्टार भी हमारे साथ हैं यहाँ, तो वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। एस फॉर यू इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल जो मेरे भोजपुरी आ रहा है, मैं काफ़ी दिल से खुश हूँ इसको, मैं आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और भाई का प्यार मिला, भाई के गाने भी इस पर आए। दर्शकों को ये बताइए सर, इस चैनल से और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? इससे 29 लोग जुड़े हुए हैं, एस फॉर यू से 29 लोग जुड़े हुए हैं। पहले तो हमारे स्टार जो हमारे ट्रेडिंग स्टार हैं किशन यादव जी हैं, रितेश पांडे जी हैं, कल्लू जी, मैं इनके जवाब देता हूँ। 29 लोग ही नहीं, भोजपुरी के जितने श्रोता हैं सब इस चैनल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे 29 और खेसारी के जुड़ने से कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। हमारी जनता जब जुड़ती है तब हमारी चीज़ें बड़ी होती है, हम माध्यम बन सकते हैं, बस किसी को चलाने के लिए हमारी जनता का प्यार और आशीर्वाद बहुत जरूरी है। सर आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, निरहुआ जी ने अभी हाल ही में बोला कि पवन और केसाई जी के गाने खूब हिट होते हो रहे हैं, उनको अब फिल्मों पे ध्यान देना चाहिए, फिल्मों को हिट करना चाहिए? बिल्कुल, तो फिल्में तो हिट हो ही रही है, हम फिल्म पे ध्यान नहीं देते तो लिट्टी चोखा कैसे हिट होता, पबजी कैसे चलता, हमारे एक और सिनेमा चोरी चोरी चुपके चुपके कैसे चलती, एक और सिनेमा रिलीज हुआ था मेरा प्यार किया तो निभाना, वो कैसे चलता? अगर चल रही है चीज़ें, अभी बताइए कोविड में जब सलमान खान नहीं चल पाए तो खेसारी का क्या औकात है भाई? तो हमारे कहने का मतलब कि कोविड में तो कोई नहीं चला, कोविड में तो भगवान तक नहीं चले, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें धरती पर एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो लोग कहते हैं कि ध्यान देना चाहिए, उन
उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो भी जो फिल्में कर रहे हैं उसको भी चलना चाहिए, सब भोजपुरी सिनेमा। हाँ, ये जिम्मेदारी सिर्फ खेसारी और पवन की नहीं है, ये खेसारी और पवन की नहीं है, यहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर करेक्टर हीरोइन हीरो हर आदमी का विषय है, क्योंकि हमारा सिर्फ खेसारी सिनेमा से नहीं जुड़ा है, भोजपुरी का भविष्य जुड़ा है। तो हम भोजपुरी के भविष्य के लिए अगर काम करते हैं तो दिनेश भी अभी काम कर रहे हैं, ये बात उनको भी ध्यान देना है, हमें भी देना है, हर कलाकार को देना है जो भोजपुरी समाज के लिए लड़ रहा है, कर रहा है और दो रोटी कमा भी रहा है और लोगों को दान भी कर रहा है और अपना परिवार भी चला रहा है। संजय जी, संजय सर, कब तक केस फॉर यू पे खेसारी जी का गाना या कोई प्रोग्राम आएगा? अभी आपके सामने हमारे खेसारी जी आ गए हैं, एंटरटेन का कोई सीमा नहीं होता और टाइम नहीं होता, वो कभी भी आ सकता है, उसका कोई फिक्स रेट नहीं होता। ना उम्मीद करे दर्शक, उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है, हम अपने अंदर उम्मीद जगा के भगवान पत्थर को भी विश्वास जगा देते हैं। संजय जी, उम्मीद पे पूरी दुनिया है। संजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारे चीज़ हैं, आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपके इस भोजपुरी मनोरंजन चैनल पे अश्लीलता ना आए? आप अभी तो मैं बोलूँगा कि वाकई में जो मैं करने जा रहा हूँ, और अभी तक भोजपुरी में मैं अश्लीलता मानता ही नहीं, क्योंकि अश्लीलता चलता ही नहीं, और हमारे जो ट्रेडिंग स्टार हैं हरदम अच्छा ही रहते हैं, अच्छा ही गाना गाते हैं, और तो निश्चित तौर पर भोजपुरी भी बहुत अच्छा ही कर लेके आएगा आपके सामने, और अभी फिलहाल मैं उसके बारे में क्या बोलूँ। देखिए, अगर आप भोजपुरी को अश्लीलता बोल रहे हैं तो पूरी समाज को गाली दे रहे हैं। मेरा मानना वहाँ नहीं है, क्योंकि अगर भोजपुरी में खेसारी अश्लीलता लाए हैं, पवन सिंह लाए हैं, दिनेश जी लाए हैं, मनोज जी लाए हैं, रवि जी लाए हैं, बाकी आर्टिस्ट लाए हैं, तो मुझे लगता है कि खेसारी को बड़ा करने वाला कौन है? हमारी जनता है, तो हमारी जनता अश्लील तो नहीं है। आपके अंदर कुछ कला जरूर होगा जिसकी वजह से आपको दुनिया ने प्यार और अपना बेटा बनाकर अपनी गोद में बैठा लिया, तो हमारी भोजपुरी अश्लील ना थी ना है, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार भी उतना ही है, रिश्ते भी अनमोल हैं, हमारी मिट्टी इतनी खुशबूदार है कि मुझे लगता है कि धरती के सबसे अच्छे अन्न से लेकर फल तक हमारी मिट्टी देती है, और उसी मिट्टी के पैदाइश खेसारी लाल यादव का है, और वो मिट्टी कभी अपने भाषा से गद्दारी नहीं कर सकती। महाराज जी भी हैं लॉन्च करने के लिए, क्या बोले, और मैं ही नहीं इस चैनल के लिए, मैं तो एक सहयोगी हूँ, लेकिन इतने बड़े बड़े हाथ इस चैनल पे हैं, बाबा हमारे हैं, हमारे फादर हैं, भगवान हैं, आइकॉन हैं भोजपुरी के, सब कुछ जो भी अगर रिश्ते से लेकर और तख्ता दिया जाए तो सारे तख्ता यहाँ आकर ख़त्म हो जाते हैं। खेसारी जी, पप्पू यादव जी बैठे हैं जो मड़ियाहूँ विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्ष इनके परिवार से हैं, आप वहाँ गए थे मड़ियाहूँ विधानसभा में, किस तरह का विकास कार्य पप्पू जी कर रहे हैं उस साइड? अब देखिए, विकास तो करने की देख लो, इंसान कितना अच्छा हमें उकरे हमारे पता, ऐसे जब उनका काम है हमारे घर तो हो ना, ये हम कर चापा को हल्ला देख ले पहले, तो बात यहाँ है कि इंसान अच्छे हैं, और इंसान अच्छे हैं तो शायद अपने समाज को अच्छा करने का हर वो चीज़ करेंगे जो समाज को कुछ फ़ायदा मिले, और कुछ ओके का हम सब पूरी समाज, पूरी कलाकार, जो कलाकार बंधु हैं, एक्ट्रेस से लेकर सिनेमा से लेकर हर आदमी अपने समाज के एक इंसान को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, बाकी आप सबका दायित्व बनता है, जैसे अपने समाज का कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको बढ़ावा देना। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।